तू जिस शहर में मस्ती करता है मैं उस शहर का नवाब हूँ। कि तू जिस शहर में मस्ती करता है मैं उस शहर का नवाब हूँ। तू बेटा अभी अभी बिगड़ा है, मैं बचपन से बिगड़ा तू। हेलो मरबानी, अस्सलाम वालेकुम यार। आज हम फिर इस गटर में गोता लगाने जा रहे हैं, जहाँ से बंदा प्लीत होने के बाद ब्लीच से भी ना ले तो गलाजत नहीं जाती, जहाँ से गोता लगाने के बाद बंदे के सारे स्वाब धुल जाते हैं, बंदा बिल्कुल नापाक होके निकलता है, कोई अच्छाई बाकी नहीं रहती, जिस्म का बाल बाल उसके पानी से नापाक हो जाता है। तो इस गटर का नाम तो आपको पता ही है, तो डिस्क्लेमर दे के इनकी तसल्ली बख्श सफाई शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज ओनली फॉर फन, सो प्लीज डोंट हेट एनीवन। ओका आपका हो गया, अब मेरी बारी। और तुम्हें कितना मारे, पहले किसी ने मार मार क्या हाल कर दिया। चलो इसका तो मानना टिकटॉक अकाउंट है, ये ऐसी हरकतें करे तो चलता है, लेकिन इसके पीछे वाले एम ही ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे नाइला जेट्टी की वीडियो में नहीं अली जफर के गाने में आए हैं, और ये जो दीवार में सर मार रहा है इसे लगता है 10 रुपए ज्यादा मिले हैं ओवर एक्टिंग के। कपड़े इसने नए पहने हैं लेकिन आया ये भी पिछली सर्दियों का है, नाइला जेट्टी की तरह। और ये जो थोड़ी देर के लिए आया इसे लगता है जबरदस्ती वीडियो में लाया गया एज ए नजर वट्टू, ताकि नाइला को नजर ना लगे। हालांकि और कितनी नजर लगनी है जिंदगी में ना, पहले सुकून नहीं। बंदा डिप्रेशन दूर करने के लिए मोबाइल पकड़ता है, आगे इसकी वीडियो आ जाती है, डिप्रेशन के साथ साथ उल्टियां भी आना शुरू हो जाती हैं। $5 लगा के हमने माल्टा ट्रेन बनाई है, और ये गंदी सब्जियां टिकटॉक पर वहां भी गांड डालने पहुंच गए हैं। मेरी वजीर आला पंजाब से गुजारिश है, या इनका किराया डबल करें, या इनके लिए एक लैदर ट्रेन चलाई जाए जो सीधा कराची के समुंदर में जाती हो, या कम से कम हमें टिकट लेने से पहले वार्निंग ही दी जाए कि अंदर भाई मुजरा चल रहा है, ताकि हम रिक्शा करा के फूफो की तरफ चले जाए। यार देखो हमारा करोड़ों रुपया लग गया ट्रेन पे, और जो लल्लू पंजू लल्ली फत्ती वहां पे ट्रेन का इफ्तिताह करने पहुंचा है, भाई मेरे जो 10-20 रुपए इस ट्रेन में हिस्सा है ना, मुझे वो वापस चाहिए। फिर एवं मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया, मैंने फटफटा जाना। पहले लाहौर में रहते हुए मैं मेट्रो बस पे नहीं बैठा, ट्रेन में बैठने का मूड था लेकिन इन्हें देख के मूड ही खराब हो गया, और मुझे यकीन है अब मैं इस पे भी कभी नहीं बैठूंगा। बराबरी हो भी फ्याज मुसल्ली नाल जूसे पठान नशे वे लगदा लगदा रतन खादी वदा है, ओए पीछे पीछे टुरदी है वे मजकल आंदा सटारा विच नाम अजकल। हो गया अब मेरी बारी। जो घास फूस खाने वाले, जो जानवर टिकटॉक पे नाम कमाने आए हैं, आर्टिस्ट बनना इनको, सेलिब्रिटी टिको जी इनको, हरकतें तुम देखो इनकी, बस इस उम्र में ना बंदे को वैसे ही चलते फिरते फरिश्ते नजर आना शुरू हो जाते हैं। इस उम्र के बाबे ना बच्चों को कहानियां सुना रहे होते हैं कि कैसे हम मौत को छू के वापिस आए, और उसी टाइम वो सीन रिपीट हो जाता है, लेकिन इस बार वापिस नहीं आते। और एक ये बाबे हैं स्टे लेके दुनिया पे आए हैं, जब इनके फॉलोअर्स 50 लाख होने हैं ना तो इनका टाइम पूरा हो जाना है। हॉटस्टार सलोमा ने टिकटॉक पर आग लगा दी, जो भी इस ट्रेंड की कॉपी करेगा उसकी वीडियो फॉर यू पे आएगी। जो लंगड़ीज जो लूलीज जिंदगी में मेहनत किए बगैर टिकटॉक पे मशहूर होने के लिए किस्मत आजमाने चले आते हैं, जैसे टिकटॉक नहीं लॉटरी वाला पापड़ हो गया। मुझे तो ये तमिल फिल्मों के हीरो से डर लगना शुरू हो गया कि कहीं अभी ये नीचे पाँव मार के गाड़ियां ना हवा में उड़ाना शुरू कर दे, इसकी एक्टिंग की तो दाद देनी पड़ेगी, गर्दन भी वैसे ही ला रहा है। अगर ये साउथ इंडियन फिल्मों का सूर्या भाई हो ना तो इसकी फिल्म देखने के लिए कोई फ्री का टिकट लेके ना जाए। ऐसे हीरो होते हैं अभी दोस्तों में बता रहे होते हैं कि मैंने सलमान खान की फिल्म में काम किया, वो अगर कहे ना कि हमें तो तू नजर नहीं आया तो कहते हैं वो जो सलमान खान भाई बचपन में मर नहीं जाता वो मैं था, लख दी। या कहेंगे वो जो पीछे तस्वीर नहीं लगी थी जिस पे फूलों का हार चढ़ा था वो मैं था। बंदूके बम हथियार लूट लाया रे तू तो पुलिस को लूट लाया। हाँ दारा, अब कुछ महीनों तक वो यहाँ बॉर्डर पर चेक पोस्ट पर आने का ख्याल तक नहीं करेंगे। सूर्या भाई के बाद पेशे खिदमत है अजय देवगन, अगर ये शाका होता तो मूवीज के घर वालों ने भी नहीं थी देखनी। जो पाफिस ने बनाया ना ये 20 साल पहले फोत हो गया था, अब तो दूसरी के बच्चे जिनके बाल भी पूरी तरह आए भी नहीं होते वो भी ऊपर खड़े करते हैं, अब तो माए भी बच्चों को तेल लगा के साइड से चीरा दे के चीरनी निकालती वो भी ऊपर खड़े करती हैं। इन्हें भी पता है कि साइड कटिंग चल रही है, गिरा हुआ पफ नहीं। मैं बाहर धम की देकर आया हूँ कि जो आदमी पहले अंदर आएगा मैं उसकी टांगे
घंटा और दूंगा। लो जी सुनील चित्तर यहाँ पे टांगे तोड़ने की बात कर रहा है। वैसे इसकी सारी उम्र टांगे खाते हुए गुजरी है। टांगे भी शादी नहीं चित्तर लगा लगा के। यहाँ भी लगता है ये घर वालों से चित्तर खा के ही बैठा है। अभी पीछे दरवाजे से कोई आया तो साथ ही चौकस हो गया कि कहीं फिर से क्लास तो नहीं शुरू होने वाली। अच्छा इनको पता भी होता है कि ऐसी वीडियो बनाने के बाद इनके साथ कुत्तों वाली होनी है, फिर भी बनाते हैं। इनकी अपनी टिकटॉक की ऑडियंस 90% इनको गालियां देती है और बाकी की 10% भी गालियां ही देती है, लेकिन ये फिर भी गमले जैसा मुंह लेके आ जाते हैं। जी हमें सलमान खान को नहीं, तुम क्या शराब पी के फुटपाथ पे गाड़ियां चढ़ाते हो? यहाँ तुम्हें काली रंग का गोश्त बड़ा पसंद है, खानी ब्रायलर मुर्गियां और बातें फिल्मों की। सल्लू भाई के ट्रेंड ने टिकटॉक पर आग लगा दी। जो भी इस ट्रेंड की कॉपी करेगा उसकी वीडियो फॉर यू पे। अगर यकीन नहीं आता तो करके देखो। ऐसा लगता है जैसे लकड़ियों को कपड़े पे नागे ऊपर नकली सर लगा दिया। आम लोग सेल पे जाए ना तो उनको एक चीज के साथ एक फ्री मिलती है, और अगर ये जाए ना तो इनको एक लानत के साथ दूसरी लानत दे के बाहर फेंक दिया जाता है। बंदे को 4 दिन से कब्ज होना तब भी इतना मनहूस मुंह नहीं बनता। ट्राई पे इनके चलने वाले संजू बाबा सलमान खान वाले स्टाइल से मैं अक पक थक गया हूँ। ये बंदा भी पहले संजू था फिर सलमान खान बन गया, और जब सलमान खान वाला ट्रेंड भी ना चला तो फिर से संजू बन गया। ये बंदा जितनी जल्दी यू टर्न लेता है ना ये अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये लो इसकी कसर रह गई थी। शाहरुख खान सलमान खान अजय देवगन सुनील शेट्टी सारे कुछ ना कुछ बने हैं। बंदे दे पुत्र बनो एना काला यरकान हो जावे। ऐसे लोग मोहल्ले में वेले मशहूर होते हैं, और यहाँ पे आके आईडी बनाई होती है संजू बाबा। जी बाबा इनको देख के ना मुझे और कुछ नहीं आता, तरस आता है। अब ये देखो हालत है शाहरुख खान वाली, सिलाई करने वाली सुई इससे मोटी होती है। इसे देख के लगता है भारत ने शाहरुख खान की आवाज निकाल के पाकिस्तान में फेंक दी है। वीडियो बनाने वास्ते कैमरा अच्छा नहीं चाहिए मियां जी, कैमरे के सामने वाला भी ब्रांड होना चाहिए। पीछे इसने 3-4 करोड़ वाली पराडो खड़ी की है, और खुद ये 3-4 रुपए का भी नहीं। कपड़ों समेत दुनिया की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन मुझे पता दुनिया पे ज्यादा चावल ही बस रहे हैं। कितनी टिप चाहिए आपको? कितने आप खुद मांगो, कितनी चाहिए आपको? दिल खोल के मांगे आप। 10,000 इधर ये टिप्स बांट रहा है। असल में ऐसे लोग होते हैं बड़े होटल में खाना खाने के बाद बिल देने खुद ही काउंटर पे चले जाते हैं ताकि टिप ना देनी पड़े वेटर को। ऐसे बंदे को वेटर भी देख के समझ आता है कि पहली दफा आया, वो भी कहता है 250 बने हैं तुम 200 दे दो, और बाकी 50 का ना तुम भाई रेडी से शवारमा खा लेना, पर मेहरबानी फरमा के दोबारा इधर ना आना। ऐसे लोग होते हैं नई गाड़ी लेके अंदर बैठने लगते हैं तो आंख खुल जाती है। ऐसे बंदे होते हैं पूरा साल पैसे जमा करके 15,000 का सैमसंग का सेकंड हैंड मोबाइल लेते हैं तो वो आगे से कोरियन कॉपी निकल आता है। प्रैंक हो गया आपके साथ। ऐसे बंदे होते हैं जिन्होंने जिंदगी में एक दफा चिकन खाया होता है, वो भी पबजी में। इतनी ये टिप्स देता है, इसे देख के तो इसके घर वाले इसके रिश्तेदार परेशान हो गए हैं कि हमारा तो 7 नस्लों से रिकॉर्ड है भीख मांग के गुजारा करने का, और यहाँ पे ये दे रहा है। ऐसे बंदों को तो पबजी में भी डिनर चिकन का तो नहीं, इनकी औकात देख के दाल का कराया जाता है। ऐसे बंदे कभी बाहर फ्राइज खाने भी चले जाएं तो पहले इसकी स्टोरी लगाते हैं इंजॉयिंग चिप्स। हर स्टोरी में इन्होंने इंजॉयिंग जरूर लिखना होता है, जैसे मलग रहे आज के पुत्र हो, और असल में इनकी जिंदगी कुत्तों से भी पैड़ी होती है। शाहरुख सुलह हो ही गई है तो गले भी मिल लो। असल बगैरतमान तो वो पीछे वाला है जो अपनी गलत फ्रेंड का हाथ किसी दूसरे के हाथ में दे के रोने के बजाय वाह वाह कर रहा है। अब ऐसे लोगों को स्टार बोलना तो स्टार की बेइज्जती है, तो इसलिए मैं इनको स्टार नहीं मानता, मैं स्टार की बेइज्जती नहीं कर सकता, इसलिए मैं तो चला। तो यार बस, तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले घंटे को भी दबा दें। उस घंटे को दबाने से ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। और अगर मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी कीमतियां गा से राह करें। तो अच्छा यार मैं हूं सरकार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चाय पीनी आती नहीं, कॉफी पीने जा रहे हो? बहुत मनोरम लग रहा हूं।